गुड मॉर्निंग। कल रात से यहाँ का मौसम खराब है और अभी भी सुबह के 6 बजे बूंदाबांदी हो रही है गाइस। कल रात में इतनी भयंकर आंधी आई, इतनी भयंकर क्या ही बताऊँ। दोस्तों गाड़ी आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं नवाबों के शहर लखनऊ। हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी बड़ा अजीब सा ही भीड़ है, बहुत ज्यादा ही भीड़ है अभी। अजीब सा माहौल है यार। एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा ठंडा कर रखा है यार, लग रहा है यही बारिश हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं नींद में हूँ गाइस। हमारी बोर्डिंग 20 मिनट में है, भीड़ बहुत ज्यादा है, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। जल्दी से सिक्योरिटी चेक करते हैं। मिस्टर गुड मॉर्निंग, हंसी आप लखनऊ में मुस्कुराइए। May I have your attention please, check in luggage will be available at bed number 5 in the arrival hall. I repeat, bed number 5. इस वाले एयरपोर्ट पे हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लखनऊ का नया एयरपोर्ट है। चौधरी साहब का एयरपोर्ट पहले से बड़ा हो गया, चौधरी साहब का एयरपोर्ट। हाँ बड़ा हो गया। तो गाइस हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इस होटल में ब्रेकफास्ट का अलग ही मेन्यू, बिल्कुल अलग। ये चाउमीन भी सर्व कर रहे हैं और बूंदी भी सर्व कर रहे हैं सेम टाइम पे भाई। कोई भी मतलब मरम छोड़ते नहीं। थैंक यू। मसाला ये बड़ा भाई दोनों लेकिन छोटे मुझसे, मैं सबसे बड़ी हूँ। ये पापा सबसे बड़ी बात है, ये बिल्कुल छोटा सा था तब लग जाता था। पीछे से तुम्हारी वो और ये तब से हमको देख रहा है, देखते देखते इतना बड़ा हो गया। बहुत अच्छा था। एक तो ये मसाला दलिया बहुत अच्छा है और सनी को देखो, ये जहाँ जहाँ इसको मौका मिलता है ना, फ्रिजोम बोलते हैं, फ्रिजोम बोलने आता नहीं होगा, खाना जरूर है इसको। बोल के देखा, बोल के देखा। क्रोजोन बोलते हैं इसको। अच्छा आविष्कार है, जिन्होंने बनाया होगा उनको नहीं मालूम होगा कि चाय में डुबा के इतना टेस्टी लगता है। नहीं, इंसान ही बोलो। जल्दी उठने की आदत ना कोरोना के साथ खत्म हो गई। क्या क्या बोला मैंने, कोरोना से पहले मैं जल्दी उठ जाता था, उसके बाद तो स्लीप साइकिल जो बिगड़ा है तो बिगड़ ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल अर्ली फ्लाइट से आए हैं तो जल्दी से खाते हैं और रूम में जाके देह भसी आ रहे कसम से। देह भसी आ रहा मतलब कि बिल्कुल अजीब सा क्लमसी क्लमसी फील हो रहा है।
जल्दी से खाते हैं और जाके थोड़ी देर सोएंगे। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, डिस्टर्ब कर लेना। बहुत बड़ी फैन है आपकी, सब भी है वैसे तो सबसे बड़ी है। आपको देख के ये भी गाना गाती है, आपको देख देख के इसने भी वैसे ही। अच्छा चलो आई है मौके से, ये हम लोग के संभाली की बात है। ये क्या था, मेरे को दिन भर ये मीम्स मीम्स दिखाता रहता है। और ये की तू क्या दिन भर पबजी पबजी खेलता रहता है। और पापा पापा आप क्या ये दिन भर फोन चलाते रहते हैं। तो नीचे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके क्योंकि इतने में हमारे रूम्स रेडी हो रहे थे। तो इतना टेस्टी खाना था ना, इतना टेस्टी कि मन कर रहा था कि मैं अच्छे से मन से खाऊं थोड़ा। लेकिन ना बहुत सारे फोटोज के चक्कर में ना मेरा आधा ही मुंह में रह जाता खाना और आधा खाती और आधा स्माइल करती। तो इस चक्कर में क्या ना जितने भी स्टाफ थे उन्होंने मेरे लिए दोबारा से ऊपर भेज दिया खाना, जिसमें कि बहुत सुंदर सा मसाला दलिया है, नूडल्स है जो कि बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत टेस्टी है। लेकिन अब मन ही नहीं करा खाने का, अब क्या करूँ। अब ऐसे में मैं पतली रह जाती हूँ, लोग बोलते हैं कि थोड़ा वजन बढ़ाओ बढ़ाओ। माता जी का कॉल आ रहा है। अभी मैं गाइस फोटो खींच रहा था अपना, ऐसे सेल्फी मिरर में खींचता नहीं हूँ कभी भी मैं। लेकिन आज मैं मन किया छपरी गिरी करने का। हाँ थोड़ा मन किया छपरी गिरी करने का। तो मेरी तरह हाँ एक ऐसा फोटो खींचा गया है ना, मतलब देख के मेरे को खुद हंसी आ रही है कि कैसा फोटो है ये देखो। मेरा आंख का पोज देखो, ओह माय गॉड। ऐसे देखा जाए तो बढ़िया है, बस तेरी थोड़ी अदाएं थोड़ी इसमें गाना लगा दू। आंख क्या नाम है, बदोबदी। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, तेरे पे सूट नहीं करता ये उस्ताद जी को करने दे। इतनी नींद आ रही थी ना मुझे एरोप्लेन में, और मैं ये सोची थी कि बस होटल जाऊंगी तो पड़ जाऊंगी। लेकिन अब जब बेड पे हूँ, तकिया है इतना बढ़िया सा, फिर नींद नहीं आ रही है मुझको, सोती हूँ लेकिन फिर भी। गाइस गुड नाइट। तो दोस्तों थोड़ी सी आंख लग गई थी और अभी जाके नींद खुली है अपनी। अभी बज रहे हैं 6:45 और जस्ट निकलना है अब यहाँ से हमें, जहाँ पे परफॉर्मेंस होगा हमारा। और ये रूम ना बहुत सुंदर सा है, समय नहीं मिल पाया आपको दिखाने का। एक बार आते हैं वहाँ से फिर आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट रूम टूर दूंगा। पर्स नहीं, बैग नहीं, ये लिपस्टिक मेरे को देती है हमेशा पकड़ने। रेडी? पक्का रेडी। और तेरे साड़ी में इतना आवाज क्यों आ रहा है? पर 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 पेपर सिल्क विद पेपर, वाओ नाइस। पापा आज तो मुस्कुरा दीजिए, आप लखनऊ में हैं, हमेशा सीरियस रहते हैं एकदम। इसके तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और यहाँ आए। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, हम भी मिथिला के हैं और हम भी मिथिला द्वीप के रहने वाले हैं। बहुत चला ऋषभ, यू मैथिली एंड आयाची रॉब्ड। हम वापस होटल रूम पहुंच चुके हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा और चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, 12:30 बज गए रात के और सुबह उठ के
कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, थोड़ा बहुत घूमेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, क्योंकि दीदी को लखनऊ का फेमस चिकनकारी जो कढ़ाई वाला कपड़ा होता है वो खरीदना है, और हमारी फ्लाइट भी है 2:30 बजे की, तो एयरपोर्ट पे निकलना पड़ेगा सुबह जल्दी। तो चलिए आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा ऋषभ ठाकुर.official। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।